break, you're watching the CSR show only on Zee Business. Well, अगर हम corporate social responsibility की बात करें तो Companies Act 2013 के तहत notify किए गए corporate social responsibility rules जो लागू हुए इस साल से. लेकिन rules तो बहुत सारे हैं, पर कुछ companies ऐसी हैं जिनकी philosophy में ही ये responsibility imbibed है. आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी ही एक कंपनी से, नाम है Havells. पोषण और इस देश का भविष्य. जी हाँ, यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे आपको देख रहे हैं उनमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको कई बार दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती. ऐसे में जो मिड डे मील की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इससे ना सिर्फ इनको पेट भर खाना मिलता है जो इन्हें बेटर न्यूट्रिशन देता है, बल्कि साथ ही अपनी एजुकेशन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं. यानी कि इस देश का भविष्य यहाँ बनाया जा रहा है. हम बात बच्चों के भविष्य की, मिड डे मील्स की और पोषण की कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इस फैक्ट्री से इसका क्या लिंक है. ये है उस फैक्ट्री की तस्वीरें जो तार बनाती है. कंपनी की टैगलाइन भी रह चुकी है, वायर्स दैट डोंट कैच फायर. और इसी फैक्ट्री से महज 5 मिनट की दूरी पर जल रही है एक आग. इस फैक्ट्री और आग का रिश्ता भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बताते हैं इस फैक्ट्री का नाम. ये है Havells, जो तारें, स्विचेस और लाइट्स जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं. इनके कुछ प्रोडक्ट्स भले ही आग नहीं पकड़ते, लेकिन इसी कंपनी की बदौलत यहाँ से कुछ दूर आग जलती है और इस आग पर बनता है खाना उन बच्चों का जिन्हें आगे बढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू की है मिड डे मील स्कीम. जब सरकार ने मिड डे मील की शुरुआत की थी तो इसे लागू करने के लिए कई एनजीओज और कंपनीज के साथ टाई अप किए गए. ऐसे ही Havells ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और अपनी ही फंडेड एनजीओ QRG फाउंडेशन के तहत मिड डे मील की शुरुआत की. वी वर इंस्पायर्ड बाय मिस्टर मोहनदास पाई. ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड अस टू मिड मील स्कीम. वी स्टार्टेड इन अ वेरी हंबल वे इन आवर फैक्ट्री एट अलवर व्हिच वाज मेकिंग वायर्स एंड केबल्स. And we started a kitchen within the factory, and it started giving mid-meal to some 5,000 children in District Alwar. But from that time onwards, we signed a MOU with Government of Rajasthan. Havells के प्लांट पर आप नजर डालेंगे तो लगता है कि ये अलवर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पूरी तरह से मशीन से चलता है या यूं कहीं बिल्कुल मैकेनिकल है, उसी प्लांट से महज 5 मिनट की दूरी पर इस तरह का सोशल वर्क उसी कंपनी के उन्हीं एम्प्लॉयज के द्वारा किया जा रहा है. और इस पूरे प्रोसेस में जो मेहनत लगती है, शायद आप और मैं अपने घरों में बैठकर वो इमेजिन भी नहीं कर सकते. समय है सुबह के 2:30 बजे. आप सोच रहे होंगे कि मैं समय यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब लोग अपने घरों में चैन की नींद ले रहे हैं तो यहाँ पर शुरू हुआ है एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान बिल्कुल नहीं है, और वो है मिड डे मील का प्रोसेस. आप सोच रहे होंगे कि जो खाना सुबह 9 से 10 बजे सर्व होता है उसकी ऐसी क्या तैयारी होती है कि सुबह 2:30 बजे ही शुरू किया जाए. इसके लिए जानने जरूरी है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. Havells द्वारा ये मिड डे मील अलवर डिस्ट्रिक्ट में 666 स्कूल में तकरीबन 55,000 बच्चों तक पहुंचाया जाता है. इनकी 21 गाड़ियों के अलग अलग रूट्स हैं जो खाना बच्चों तक पहुंचाती हैं. शाम 5-6 बजे ड्रिल शुरू हो जाती है. कल के मेन्यू में है छोले, तो शाम 5 बजे ही आलू कटने शुरू हो गए हैं और साथ ही यहाँ छोले भी भिगो दिए गए हैं. सुबह 2:30 बजे ही वर्कर्स काम पर लग गए हैं. हर चीज सिस्टमैटिक है, बड़ी बड़ी मशीन, ये बॉयलर, सब कुछ सिस्टमैटिक और सबसे बड़ी बात हाइजीनिक. इट इंश्योर्स दैट वेरी हाइजीनिक फूड इज प्रिपेयर्ड एंड इट रीचेस इन टाइम
before the recess time of the schools. It's taken us 9 years to reach that landmark. And it's come, you know, like it started with 5,000, now we have 50,000 on board. And we are working towards it that maybe in another 2 to 3 years time, we'll scale it up further. हाइजीन की बात करें तो जहां पहले मिड डे मील इन सरकारी स्कूल्स के लिए सरदर्द था, वहीं अब अच्छे खाने की वजह से स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ गई है। देखिए, मिड डे मील की वजह से सबसे पहले तो नामांकन बढ़ गया बच्चों का, है ना। दूसरा, बच्चों को पोषण पौष्टिकता अच्छी मिल रही है, सब हर चीज की पूर्ति हो रही है बच्चों को, सब्जी की, दाल की, मिठाई की, फ्रूट्स की। फिर बच्चों का ध्यान जो है ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगा रहता है, क्योंकि भरपेट भोजन मिल जाता है। ऐसा नहीं कि दो चपाती दे दी और बच्चा उठ गया, बच्चा जितना खाए खा ले। बच्चों के अभिभावक बेझिझक इन्हें स्कूल भेजते हैं बिना ये चिंता किए कि खाना सही है या नहीं। हमारा सब पोता और पोते पढ़ रहे हैं, मिड डे मील से खाना है, दादा बहुत बढ़िया खाना है। 150 से 200 बच्चे जो हैं श्रमिक काम करते हैं उद्योग क्षेत्र में, उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता, लेकिन इस खाने की वजह से वो बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और उसका उनका स्वास्थ्य भी सही हो रहा है। बच्चों तक खाना पहुँचाने से पहले हैवल्स द्वारा दी गई 21 गाड़ियों के ड्राइवर और असिस्टेंट खाना चखते हैं, और तो और टीचर्स को भी खाना चखना होता है। कंपनी का दावा है कि खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले, सब्जियां, चावल, दाल सभी की क्वालिटी A1 है। इन बच्चों में दिखता है आगे बढ़ने का जोश और जज्बा, ये पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस गरीबी को दूर भगाना चाहते हैं। ऐसे में जरूरी है सही पोषण। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, हैवल्स इस चीज का भी पूरा ध्यान रखता है। साथ ही सबसे बड़ी बात है इन बच्चों के चेहरे की खुशी, क्योंकि इसमें से कई खाने ऐसे हैं जो उन्होंने कभी घर पर नहीं देखे। हम फैक्ट्री से आते हैं, इसलिए हम सोचते हैं हम कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए हम घर से जल्दी जल्दी में खाना नहीं खा पाते। कभी कभी हम चाय भी पी लेते हैं, और जब हम स्कूल में पहुंचते हैं, जब हमारी लंच होती है, तब हम खाना खाते हैं। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा आता है, और कई तरह की सब्जी और रोटी आती हैं, चावल भी आते हैं और फल फ्रूट भी आते हैं। घर पर तो राजमा चावल नहीं मिलते, इधर मिलते हैं जो बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं हैं, वो सोचते हैं क्या करेंगे स्कूल जाकर, लेकिन जब से मिड डे मील से भोजन मिलने लगा है तब से बच्चे आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। घर में तो छोला बनता भी नहीं, यहाँ पर बनता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर खा रहा हूँ। सबसे अच्छा क्या मिलता है यहाँ पे? चावल, दाल, रोटी। राजमा चावल बहुत अच्छा लगता है मुझे, सबसे अच्छी दाल रोटी लगता है, इतना टेस्टी होता है खाना की और खाने का मन करता है। CSR 2013 में एक मैंडेट की तरह सामने आया, लेकिन उससे कई साल पहले ही हैवल्स अपने मिड डे मील की इस इनिशिएटिव की शुरुआत कर चुका था। शुरुआत हुई थी लगभग 2000 बच्चों से। तब मिड डे मील पहले चूल्हों पर बनता था, लेकिन अब रोटियां तक मशीन पर बन रही हैं। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि इस मशीन से लगभग एक बार में 40,000 रोटियां बन जाती हैं। लेकिन इस मशीन का एक ही राउंड काफी नहीं है, क्योंकि लगभग 2,00,000 रोटियां हैवल्स की इस किचन से बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। There are some legislations and they're talking about 2% of your profits and things like that, but we are not getting governed by that. As a company, we say that if there is an initiative where company has to even go further than what mandatory norms have been made, we are willing to contribute, provided it really serves the society. पूर्ति के लिए सिर्फ CSR ना करके पूरी जिम्मेदारी और दिल से बच्चों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। ये सुनिश्चित करा जाता है कि बच्चों तक जो खाना पहुंच रहा है वो न्यूट्रिशियस हो। कंपनी ने हर साल लगभग 5,000 पेड़ लगाने का भी बीड़ा उठाया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कंपनी के वॉलंटरी एम्प्लॉइज खुद यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। If you give it back to society, it's returned back to the company or an individual. Many turns over, you know, many times over it comes back to you. So that's a clear belief, and we get lots of intangible benefits. If you go to Alwar, you'll find that we are probably the only company or among the very few companies which are profit-making companies from Rico Industrial Area.
हैवल्स से ये मुलाकात और उनकी ये पहल देखकर ऐसा जरूर लगा कि इस तरह के CSR इनिशिएटिव्स से न सिर्फ सोसाइटी को फायदा हो रहा है बल्कि कंपनीज को भी इससे प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने की और एक मजबूत भारत बनाने की। आज के हमारे शो में इतना ही, लेकिन बहुत जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। हम आपको मिलवाएंगे कुछ और ऐसी ही कंपनीज से जो लगातार मेहनत कर रही हैं और पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं कम्युनिटी वेलफेयर में, जिससे ये देश लगातार बढ़ता जाए तरक्की के रास्ते पर। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।